हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS व्लॉगर में। आज बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम के अंतर्गत रामेश्वरम की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, साथ ही साथ 4 धामों में से एक धाम भी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें रामेश्वरम कैसे पहुँचना है, रामेश्वरम में हमें कहाँ रुकना है, हमको खाने पीने की वहाँ क्या व्यवस्था है, रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें रामेश्वरम घूमने के लिए कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए और एक व्यक्ति का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक कर सारी बातें आपको बताऊंगा, जिससे आपको रामेश्वरम जाने में कोई कठिनाई ना हो। बात करते हैं हमको रामेश्वरम कैसे पहुँचना है। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन है, अगर आप की रामेश्वरम तक ट्रेन है तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप आ सकते हैं मदुरई। दोस्तों, मदुरई से जो रामेश्वरम की दूरी है वो है 170 किलोमीटर, या तो आप मदुरई से रामेश्वरम बाई बस आ सकते हैं या फिर ट्रेन चेंज करके रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शहर से मदुरई तक डायरेक्ट ट्रेनें नहीं मिलती हैं तो आप चेन्नई एगमोर आ सकते हैं। वहां चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम के लिए ढेर सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। आप चेन्नई एगमोर आइए और वहां से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है बाई रोड। अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो बाय रोड आ सकते हैं। बाया मदुरई होते हुए रामेश्वरम की दूरी वो है 170 किलोमीटर। यहाँ पर आपको सरकारी बसें व प्राइवेट बसें दोनों आपको मिल जाएंगी, तो आप बस के माध्यम से रामेश्वर पहुँच सकते हैं। अगर बस के लिए किराए की बात करूँ तो मदुरई से रामेश्वरम तक 250 रुपये से 300 रुपये तक एक व्यक्ति का किराया पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट। फ्लाइट से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम का नज़दीकी हवाई अड्डा है वो मदुरई। आप मदुरई आ जाइए। मदुरई से रामेश्वरम 170 किलोमीटर दूरी आप बस के से कवर कर सकते हैं या फिर टैक्सी हायर करके रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेरा यह कहना यह है कि आप बाय ट्रेन ही सफ़र कीजिए, ताकि आपको भारत का सबसे लंबी समुद्र पुल यानी पंबन ब्रिज का नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब पंबन ब्रिज से ट्रेन गुजरती है तो आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, तो ये नज़ारा मिस मत कीजिएगा। इसलिए अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो पंबन वाली रेल यात्रा जरूर करिए। चलिए दोस्तों, हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद हमको दर्शन करना है, लेकिन यहाँ पर हमको दर्शन करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। तो दोस्तों, मंदिर पर में दर्शन करने से पहले मंदिर परिसर से 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है अग्नितीर्थ, वहां पर जाकर आप स्नान कीजिए। दोस्तों, जब यहां पर श्री राम रावण का वध करके आए थे तो इसी अग्नितीर्थ पर आकर वो स्नान किए थे, और यहां की लहर एकदम शांत हो चुकी है क्योंकि प्रभु श्री राम का यहां पर स्पर्श हुआ था। तो अग्नितीर्थ पहुंचकर सबसे पहले अग्नितीर्थ में स्नान कीजिए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करिए। दोस्तों, अग्नितीर्थ में स्नान करके हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर परिसर में वहां आपको दर्शन करने से पहले आपको 22 कुंडों में भी स्नान करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर परिसर में 22 कुंड का अलग अलग तीर्थ का कुंड बना हुआ है। उन 22 कुंडों में से आपको वहां पर सरकारी सेवक रहते हैं, वो आपके ऊपर जल अर्पित करेंगे, और आपके इन सारे 22 कुंडों का जल अर्पित करने का वो कुछ कास्ट लेंगे, जो 20 से 25 रुपए आपको देना पड़ेगा। वो 20-25 रुपए आप उनको दे दीजिए और सारे 22 कुंडों में से आपको वो स्नान करा देंगे। पूरे 22 कुंडों में स्नान करने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे। आप 22 कुंडों में दर्शन स्नान करने के बाद सूखे वस्त्र बदल लिए और मंदिर परिसर में प्रवेश करिए। दोस्तों, मंदिर परिसर में आपको 2 शिवलिंग हैं। पहला वो जो हनुमान जी ने कैलाश
पर्वत से लाया हुआ था, दूसरा वो जो सीता माँ द्वारा रेत द्वारा बनाया गया था शिवलिंग। तो पहले आपको हनुमान जी द्वारा लाई गई शिवलिंग को आपको दर्शन करना है, उसके बाद सीता माँ द्वारा जो रेत से निर्मित की गई है जो शिवलिंग थी उसके आपको दर्शन करना है। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मंदिर परिसर में जब आप गुजरेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोम रामेश्वरम मंदिर में ही है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की कॉरिडोम आपको बेहद खूबसूरत लगेंगे और आपको पत्थरों से जो खंभे बने हुए हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में बने हुए अनेक मंदिर हैं, जैसे अंबिका माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और पार्वती जी का मंदिर, ये सारे मंदिर भी जाकर आप दर्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है? दोस्तों, वहाँ रुकने के लिए आपका तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन यह है कि आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रामेश्वरम में धर्मशाला मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो एक दिन का चार्ज लेते हैं वो 250 रुपये से 300 रुपये तक आपको पड़ेगा। अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, तो रामेश्वरम ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, तो आप ऑनलाइन विजिट करके इस साइट पर जाकर आप 3 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रूम चाहिए तो ट्रस्ट के रूम का चार्ज 500 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। अगर आप ट्रस्ट के रूम चाहते हैं तो इस साइट पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि 3 दिन पहले होती है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, वो है प्राइवेट होटल। दोस्तों, वहाँ पर प्राइवेट होटल बहुत सारे हैं, जो कि आपको 500 रुपये से 1000 रुपये तक आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी होटल में रुकना चाहते हैं आप वहाँ सुविधा देखकर प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि हमें भोजन कहाँ करना है। जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन की बात करूँ तो आप मंदिर परिसर में लंगर चलता है, आप लंगर में खाना खा सकते हैं, वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। लेकिन टाइमिंग है दोस्तों, वो है आपकी 11 AM से 3 PM तक की ही है। अगर आप मंदिर परिसर में भोजन करना चाहते हैं तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल लंच ही दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट, आप वहां प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट में आप भोजन कर सकते हैं। तो आपको 100 रुपये से 200 रुपये तक आपको थाली देखने को मिल जाएगी। आप सुबह के नाश्ते में आपको इडली, डोसा, वड़ा, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको ब्रेकफास्ट यहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। रामेश्वरम जाने के लिए आप अवॉइड करिए गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के समय वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है। अगर आप उत्तर क्षेत्र से या मध्य क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ पर आप गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा समय है वो जाड़े का समय, यानी आप नवंबर से मार्च तक आ सकते हैं, या फिर आप मानसून में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मानसून के समय बाहर वाली जगहों पर नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आकर बारिश हो जाती है तो आप नहीं घूम सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा समय होता है वो विंटर का समय होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें रामेश्वरम में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, रामेश्वरम में 2 दिन का स्टे बनाइए, 2 दिन रामेश्वरम घूमने के सफिशेंट है। कहाँ घूमना है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ घूमना है। बात करते हैं कि हमें सबसे पहले मंदिर कौन सा जाना चाहिए, वो है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में जा सकते हैं, यहाँ पर हनुमान जी की वो बड़ी मूर्ति है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। आप चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर, तो वो है नायबू नायबी मंदिर। नायबू नायबी मंदिर में माता पार्वती जी का मंदिर है,
कहा जाता है कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या होती है वो इस मंदिर में जरूर जाते हैं तो इनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो इस पार्वती मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तीसरे मंदिर की बात करूं तो वो है साक्षी हनुमान मंदिर। साक्षी हनुमान मंदिर मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, तो आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगले स्थान की मैं बात करूं तो वो है कलाम स्मारक। दोस्तों, ये वो स्थान है जहां पर कलाम जी को दफनाया गया था, तो यहां पर आप ज़रूर कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं। अगला स्थान है दोस्तों, वो है धनुषकोड़ी। दोस्तों, आप धनुषकोड़ी दूसरे दिन जाइए। पहले दिन मैंने जो आपको स्थान बताए हैं उनको स्थान घूम लीजिए और शाम को अपने होटल आ जाइए और वहां से रवानगी कर लीजिए। दोस्तों, रामेश्वरम में धनुषकोड़ी 20 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, आप यहां जा सकते हैं। ये वही जगह है जहां बानर सिरा द्वारा पत्थरों से लंका जाने का मार्ग बनाया गया था, पुल बनाया गया था, लेकिन वो पुल आज आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि धनुषकोड़ी में कुछ साल पहले तूफान के कारण धनुषकोड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों, धनुषकोड़ी पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि रामेश्वरम से धनुषकोड़ी आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर तूफान आने के बाद वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ का पोस्ट ऑफिस, वहाँ की सरकारी कार्यालय, वहाँ के मंदिर, वहाँ का चट, ये सब खत्म हो चुका है एक ही झोंके में। आज वहाँ केवल बीच है, समुद्र है, वहाँ आप जाकर स्नान कर सकते हैं। धनुषकोड़ी में स्नान को पवित्र माना गया है, तो आप एक बार धनुषकोड़ी जाकर जरूर स्नान कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या है। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के पास अग्नितीर्थ है, वहाँ से आपको बहुत सारे बसें मिल जाएंगी, ऑटो व टैक्सी भी मिल जाएंगी, तो आप वो लेकर ये सारे स्थान को घूम सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप ऑटो बुक कराना चाहते हैं सारी जगह घूमने के लिए, तो ऑटो वाला आपसे 1,000 रुपये से 1,200 रुपये लेगा ये सारे मंदिरों को, सारी जगहों को घुमाकर वापस मंदिर परिसर के पास या अग्नितीर्थ के पास आपको छोड़ देगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रामेश्वरम को घूमने के लिए हमको कितना खर्च आ जाएगा। दोस्तों, इस खर्च में ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं किया है। यहाँ पर आपको रूम की टिकट, खाने की टिकट, ऑटो की टिकट, सब इनको मिलाकर बात करूं तो एक प्रति का 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक आपको खर्चा पड़ जाएगा। आप पूरा रामेश्वरम घूम लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आप जितने लोग होंगे उस हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा रामेश्वरम का संपूर्ण वर्णन। आपको किसी प्रकार का प्रश्न अगर मन में उठता है तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप किसी के अन्य के वीडियो में खो जाएं, उससे पहले मेरे चैनल MS ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें।